Hello students, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to continue our English class in which we will discuss about chapter number 2, that is let's learn pranayam. Pranayam क्या होता है? ये एक तरह का योगासन होता है जो कि breathing से related होता है या फिर सांस लेने से related होता है. तो जितनी भी तरह की exercises होती है या फिर या आसन होते हैं वो हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं. सो कंटिन्यू विद अवर चैप्टर इन विच वी आर वॉचिंग सम पिक्चर्स हेयर. द फर्स्ट वन इज चक्रासन. ये जो योगासन की जो ये पोजीशन है इसे क्या कहा जाता है? चक्रासन. द सेकेंड पिक्चर इज उधर सर्वांगासन. इसमें क्या होता है? जो अपना बॉडी का अपर पार्ट होता है वो नीचे की साइड में रहता है और जो नीचे का पार्ट होता है लेग पोर्शन जो होता है वो ऊपर की साइड में रहता है. थर्ड पिक्चर है, इस पोजीशन को क्या कहा जाता है? हलासन. एंड द फोर्थ वन इज भुजंगासन. राइट, यहाँ पे सम क्वेश्चंस आर गिवन. फर्स्ट वन इज कैन यू नेम दिस और योगासन्स. क्या आप इन योगासन्स के नेम बता सकते हैं? यस डेफिनेटली. द फर्स्ट वन वॉज चक्रासन, सेकेंड इज उधर सर्वांगासन, थर्ड इज हलासन एंड द फोर्थ वन इज भुजंगासन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच ऑफ दिस यू डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली. आप अपने स्कूल में जब भी प्रेयर असेंबली होती है तो इनमें से कौन सी एक्सरसाइजेज आप परफॉर्म करते हो या फिर करते हो, कौन से आसन आप करते हो. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स. यानी आप जब भी ये योगासन्स करते हो कंटिन्यूटी में तो आपको इन योगासन से आपकी बॉडी में क्या चेंजेस फील होते हैं, क्या बदलाव आपको नजर आता है. तो अगर हम कंटिन्यूसली ये योगासन प्रॉपर स्केड्यूल के साथ में करते हैं तो हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है, हमें डिजीज नहीं होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, इसके अलावा जो हार्ट रेट है, ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल रहती है और काफ़ी तरह की डिजीजेज जो होती है वो दूर रहती है हमसे. राइट, मूविंग अहेड, यहाँ पे अ पिक्चर इज गिवन. We can have an idea that this picture is about a park where people are running, doing some exercises, children are playing. Okay, so here the paragraph is Shivam and Nitin were students of class 5th. Shivam और Nitin जो है वो class 5th के students है. One day they got up early. गोट अप मीन्स उठना. एक दिन वो सुबह जल्दी उठ गए. इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग. प्लेजेंट का मीन होता है सुहावनी. यह एक सुहावनी सुबह थी. दे वेंट टू अ पार्क. वो एक पार्क में गए फॉर अ मॉर्निंग वॉक, एक सुबह की सैर करने के लिए. राइट, दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क. वहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा. सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क. ट्रैक यानी कि जो पार्क में रनर्स के लिए सड़क टाइप में होती है वो क्या होता है? ट्रैक. तो कुछ लोग उनमें से उस ट्रैक पर रनिंग कर रहे थे. चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे जो थे वो खेल रहे थे. इन द मिडल ऑफ द पार्क, पार्क के बीच के एरिया में सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस. कुछ लोग बैठे थे और अलग अलग तरह के पोज कर रहे थे. यानी कि पोज क्या होता है? सीटिंग या फिर स्टैंडिंग की जो पोजीशंस होती है दीज आर कॉल्ड पोज. ओके, तो वो लोग क्या कर रहे थे? बैठे थे और अलग अलग तरह के पोजेस कर रहे थे. शिवम वंडर दैट दे वर व्हाट दे वर डूइंग. शिवम वंडर यानी कि एक क्वेश्चन मार्क आना कि वो लोग कर क्या रहे हैं, उस चीज को जानने के लिए उत्साहित होना. तो शिवम के माइंड में क्वेश्चन आया कि वो लोग क्या कर रहे हैं. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा रखना. तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम. जो दोनों दोस्त थे कौन? शिवम एंड नितिन. वो उन लोगों के पास में गए. देयर वॉज अ योगा टीचर.
वहाँ पे एक योगा टीचर था जो कि हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स, जो योगा टीचर था वो दूसरे लोगों को सुझाव दे रहे थे कि उन्हें कैसे जो भी एक्सरसाइजेस वगैरह हैं या आसन्स हैं वो कैसे करने हैं। ही सेड, उसने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्रों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास, कि आज की क्लास में हम प्राणायाम सीखेंगे, राइट? व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम क्या होता है? Somebody asked, किसी ने पूछा कि प्राणायाम क्या होता है, तो योगा टीचर ने आंसर दिया, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। कंट्रोल यानी कि होल्ड करना या फिर उसको नियंत्रित करना, और एक्सटेंशन उसको प्रसारित करना या फैलाना। तो प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, ब्रीदिंग को होल्ड करना एंड फिर उसको रिलीज करना, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, वी कैन से, अनुलोम विलोम, ये तो आपने सुना ही होगा। बाय प्रैक्टिसाइजिंग इट, इसकी प्रैक्टिस करने से वी कैन रिड्यूस अवर ब्रीदिंग रेट, इसकी प्रैक्टिस करने से, इसको कंटिन्यूटी में करने से हम अपने ब्रीदिंग रेट जो है यानी कि श्वास दर जो है उसको कम कर सकते हैं। रिड्यूस का मीन होता है कम करना। रिड्यूस ब्रीदिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ब्रीदिंग रेट जब कम होगी तो उसके हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे, बेनिफिट होता है लाभ। तो ब्रीदिंग रेट कम होने से इससे हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, इसको करने से हार्ट रेट कम होती है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर यानी बीपी की जो प्रॉब्लम होती है वो कम होती है। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और हमारी बॉडी और दिमाग को भी शांत करता है। प्राणायाम इंक्रीजेस अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारे जीने की जो चांसेस है उसको भी बढ़ाता है, प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि अगर हम डेली एक्सरसाइजेस करेंगे, योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो हमारी उम्र भी लंबी होती जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। प्राणायाम करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो क्या होती है कि हमें खाली पेट ये करना चाहिए, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे करना इसको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है या फिर सही माना जाता है, एकदम खाली पेट। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। आप इसे इवनिंग में भी कर सकते हो, लेकिन जब भी आप इसको इवनिंग में करते हो तो उससे पहले जो आपने लास्ट मील ली है या खाना खाया है उसके बीच में 4 आवर्स का गैप होना कंपल्सरी है। नेक्स्ट, शिवम एंड नितिन गोट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। शिवम और नितिन को जो प्राणायाम के बारे में डिस्कशन हो रहा था उसके अंदर इंटरेस्ट आने लगा, और सीकिंग का मीन होता है मांगना, परमिशन का मतलब होता है इजाजत, तो उनके इंटरेस्टेड हुए वो इस चीज़ के लिए, और उन्होंने योगा टीचर से परमिशन लेकर उस प्राणायाम सेशन को ज्वाइन किया। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, टीचर ने प्राणायाम को करने के स्टेप्स बताए, जिसमें फर्स्ट स्टेप है सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज। कामली मीन्स शांतिपूर्ण ढंग से, और सिट होता है बैठना, तो मैट मतलब चटाई। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको एक मैट पर एकदम कामली बैठना है और अपने आईज को क्लोज करना है। नेक्स्ट स्टेप, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। आपको क्या करना है, जो आपकी लेफ्ट एंकल है उसको आपकी राइट थाई पे, थाई होती है जंघा, राइट थाई पे आपको रखना है। देन थर्ड स्टेप में जो राइट एंकल है उसको लेफ्ट थाई पे रखना है। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इस पोस्चर को कहते हैं पद्मासन, राइट? इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में, यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट, आपको स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में इसको करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज या दिक्कत आएंगी टू सिट इन दिस पोज, इस पोज में बैठने पर, बट डोंट वरी, चिंता नहीं, विद अ लिटिल प्रैक्टिस
थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही यू विल लर्न इट, आप ऐसा करना सीख जाओगे। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आता है इसमें, थर्ड स्टेप तक आप पद्मासन की पोस्चर में आ गए हो, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, आपको थंब और आपके रिंग फिंगर का यूज करना है। जो आपकी थर्ड फिंगर होती है दैट इज योर रिंग फिंगर और थंब यानी कि अंगूठा। तो प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब, आपको क्या करना है राइट हैंड यूज करना है और राइट साइड की नोस्ट्रिल को थंब से प्रेस करना है एंड ब्रीद इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल आपको पता है नाक के जो होल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। तो थंब से राइट हैंड के थंब से आपको राइट साइड की नोस्ट्रिल को क्लोज करना है एंड देन जो लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल है उससे आपको ब्रीद इन करना है, सांस अंदर तक लेनी है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, आपको कब तक सांस अंदर की साइड लेनी है, जब तक कि आपके लंग्स पूरी तरह से फुल नहीं हो जाते एयर से। देन दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड पूरक, आप जो सांस अंदर लेते हो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है पूरक। नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। स्टार्टिंग में आप इतना ज़्यादा टाइम तक इसको होल्ड नहीं कर सकते, तो आपके अकॉर्डिंग आप ब्रीथ को होल्ड कर सकते हो या फिर 5 to 10 seconds के लिए होल्ड कर सकते हो। तो द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक, जो आपने ब्रीदिंग को होल्ड किया है, ब्रीथ को होल्ड किया है, उस पोस्चर को या उस पोजीशन को क्या कहा जाता है कुंभक। नेक्स्ट स्टेप आता है, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर फिंगर। अब आपको क्या करना है, आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से एयर को अंदर किया था, अब रिंग फिंगर से आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रेस करके क्लोज करोगे एंड जो राइट थंब आपकी नोस्ट्रिल पे था लेफ्ट राइट वाली उससे आप थंब को हटाओगे और राइट नोस्ट्रिल से जो आपने ब्रीथ एयर अंदर की ओर ब्रीथ की थी उसको आप एक्सटेंड करोगे बाहर की तरफ, राइट। तो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक, जो आपने ब्रीदिंग बाहर की है राइट नोस्ट्रिल से उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं रेचक। नेक्स्ट स्टेप सेवेंथ, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल, पहले क्या किया था आपने राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से एयर को अंदर लिया था, बट दिस टाइम आपको राइट नोस्ट्रिल से ब्रीद इन करना है। राइट नोस्ट्रिल से ब्रीद इन करने के बाद में आप इसको होल्ड करोगे देन इसको प्रेस करके एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से एयर को बाहर निकालोगे। नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विद थंब, सेम यही कि आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से एयर को बाहर निकालोगे। तो दीज वर द सिंपल 10 steps ऑफ प्राणायाम। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम, शिवम और नितिन को प्राणायाम सीखकर बहुत खुशी हुई। दे थैंक द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लासेस डेली। उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि वो डेली मॉर्निंग में पार्क आएंगे और योगा क्लासेस को अटेंड करेंगे और उन्होंने योगा टीचर को भी धन्यवाद किया। आई होप यू गोट एवरीथिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू। थैंक यू।